रोमांच और ड्रामे के साथ आईपीएल 2022 का 34वां मुकाबला खत्म हुआ। दिल्ली को राजस्थान ने 15 रन से हरा दिया। जीत के साथ ही राजस्थान अब पॉइंट्स टेबल में पहले नंबर पर पहुंच गई है। मैच के दौरान जहां जोस बटलर ने इस सीजन का तीसरा शतक ठोका, तो वहीं मैच के आखिर में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत की नाराजगी ने पूरी सुर्खियां बटोर ली। दरअसल दिल्ली को आखिरी ओवर में 36 रन की दरकार थी। राजस्थान के लिए आखिरी ओवर की गेंदबाजी ओबेड मकोए करने आए थे और सामने रोमैन पवेल स्ट्राइक पर थे। पहली तीन गेंदों पर रोमैन ने मैच को पलटने का जज्बा दिखाया और 3 छक्के लगाए, लेकिन तीसरी गेंद जिस पर बल्लेबाज रोमैन ने छक्का जमाया था, वो गेंद कमर की ऊंचाई पर पड़ी थी और ऐसे में बल्लेबाज पवेल ने मैदानी अंपायर से नो बॉल की मांग की, लेकिन अंपायर ने इसे ठुकरा दिया। वहीं डगआउट में बैठे कप्तान पंत को अंपायर का फैसला बिल्कुल भी रास नहीं आया और उन्होंने खड़े होकर अंपायर पर अपना गुस्सा दिखा दिया और अपने दोनों बल्लेबाजों को वापस बुलाने का इशारा करने लगे। सिर्फ इतना ही नहीं, पंत ने डीसी के कोचों में से एक प्रवीण आमरे को मैदान पर भेजकर अंपायर से बात करने को कहा। वहीं जब ये सब ड्रामा हो रहा था तो शेन वॉटसन ने पंत को शांत किया, जिसके बाद मैच फिर से शुरू हुआ। बता दें कि पंत अंपायर के फैसले पर भड़के हुए नजर आए थे। यही वजह थी कि उन्होंने क्रीज पर मौजूद दोनों बल्लेबाजों को बुलाने का फैसला किया था, लेकिन फिर कुछ देर के बाद पंत थोड़े ठंडे पड़े तो मैच शुरू हुआ। हालांकि बाद में पवेल अगले 3 गेंद पर 2 रन बना पाए और आखिरी गेंद पर आउट भी हो गए। इस तरह से दिल्ली ये मुकाबला 15 रन से हार गई। लेकिन एक तरफ जहां बटलर के शतक ने फैंस का दिल जीता, तो वहीं दूसरी ओर आखिरी वक्त में पंत के गुस्से ने इंटरनेट पर आग लगा दी। फैंस और क्रिकेट पंडितों के रिएक्शन आने लगे। फैंस अंपायर के फैसले से गुस्सा थे, तो वहीं क्रिकेट पंडित और पूर्व क्रिकेटर पंत के जेस्चर को सही नहीं ठहरा रहे थे। ऐसे में आप पंत के इस रवैये पर अपनी राय जरूर रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइन स्पोर्ट्स के साथ।